जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से फिट फाट हैं। तो आज जो है ना भाईजान, हम लोग जाने लगे हैं बाबूसर गांव पे, और वहाँ सर्दी वर्दी काफ़ी होगी, तो इस वजह से हमने ड्रेसिंग ना थोड़ी सी इस तरह की है, हाईनेक वगैरह पहन ली है। बाहर गर्मी है लेकिन हवा शवा लगती रहेगी बस में, तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। जैकेट भी ले ली है और उम्मीद है कि ड्रेसिंग भी अच्छी लगेगी वहाँ जाके, अभी ऊपर पहनेंगे। तो बहर बाबूसर पहुँचते हैं फिर इंशाल्लाह आप सबको जो है दिखाते हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम यार, सफ़र हमारा शुरू हुआ है काफ़ी देर का, नाश्ता वाश्ता करके निकले थे, चाय शाय पी के, और ये मेरे पीछे डंडे वंडे लगे हुए, और ये बिल्कुल पीछे जो है बाबूसर टॉप का एरिया है, ये आप देखें। तो यहाँ से कुछ देर ही रह गया, 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, ज़्यादा नहीं है, और इंशाल्लाह पहुँच के आपको जो है व्यूज़ दिखाते हैं। कुछ ठंडक ठंडक महसूस होनी शुरू होगी, मैं हाईनेक पहन आया था, और रास्ता मेरा बड़ा जो है वो गर्म गुजरा, बड़ी गर्मी वाला। अभी जाके कुछ चीज़ें बेहतर होने लगी हैं, कुछ मौसम बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे लोगों को इसलिए उतारा है कि भाई को नाश्ता वाश्ता करना है, खा पी लो कुछ अगर खाना पीना है, क्योंकि ऊपर जाके एकदम ठंड भी हो जाएगी, और ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि सारी बर्फ़ में पहाड़ियाँ कवर्ड हैं, तो वहाँ पर भी कुछ जो है खाने पीने का सीन होगा। तो यहाँ उतारा है, ज़रा क्लाइमेटाइज भी हो जाए, और कुछ खाने पीने का लेना वो भी ले लें, मौसम मौसम से भी ज़रा थोड़ा जो है ना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जैकेट वैकेट निकाल लें, फिर ऊपर जा सकें ताकि हम लोग। बस यार ये लंच के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे, सुबह नाश्ता करके आए हैं, ये समझ से बाहर है, 2-3 घंटे के बाद इन लोगों को जो है ना भूख कैसे लग गई है। और ये जो हमारे साथ छोटा बच्चा है उमर भाई का भांजा, इसकी आज बर्थडे है, तो हमारा प्लान है कि बाबूसर टॉप पे जाके जो है हम भी केक शेक काटें। काटने रात ही वाले थे, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि यार इतनी खूबसूरत जगह पर आप लोग आए हैं, तो भाई अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि केक शेक हमने ले लिया है बेकरी से ही, ऑलमोस्ट हमें 2,000-2,500 का पड़ा विद डिलीवरी। तो अब हमारा जो प्लान है वो है इंशाल्लाह बाबूसर जाके केक कटिंग करने का, तो लेट्स सी कैसा मज़ा आता है वहाँ पर। मुझे लग रहा है सर्दी वर्दी काफ़ी होने वाली है वहाँ पर, यहाँ नॉर्मल है, इवन हाफ स्लीव में भी जो है ना आपको ईजी लग रहा है। जी जनाब, तो हम लोग बाबूसर टॉप पे पहुंच चुके हैं, और इधर सर्दी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको आप बर्दाश्त ना कर सकें। नॉर्मली एक हमने जो है इस तरह से जैकेट पहन ली है, और ये बर्दाश्त के काबिल हो गई है। कुछ ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है, ज़िप लाइन हो रही है। अच्छा, मैं जब 2017 में आया था तो तब ये ज़िप लाइन नहीं थी, तो अभी ये ज़िप लाइन लग चुकी है, और भाई अच्छी लग रही है, ट्राई करेंगे ये ज़िप लाइन भी ट्राई करेंगे, लेकिन अगर ये ज़िप लाइन पूरी बर्फ़ के ऊपर से होती तो और भी अच्छा लगता। तो बड़ा ये लोग आए, मैं फैमिलीज आई हुई यहाँ घूमने फिरने के लिए, और खूबसूरत व्यू है क्योंकि ये टॉप है। तो बस अभी अभी हम उतरे हैं, वो बस खड़ी है हमारी, और ये है कुछ सीन, तो इंशाल्लाह आगे जाते हैं। ये जैकेट किसी काम की नहीं है, सिर्फ फ़ोटोज़ बनाने के लिए पहनी है, बस फोटो शोटोज़ बनवा लें तो फिर निकलते हैं आगे। तब इतनी बर्फ़ नहीं थी, आई थिंक जो अगस्त वगैरह का था, तो बस थोड़ी सी बर्फ़ थी, और वो भी ये कि जो बिल्कुल सामने वाले टॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ उधर ही बर्फ़ थी, और इतने ज़्यादा लाइक ये व्यू पॉइंट्स नहीं थे, टक शॉप्स नहीं थी। ये तो माशाल्लाह बड़ी रौनक जो है वो लग चुकी है, और आगे भी चलते हैं, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी ऑलमोस्ट कोई 4-5 दिन पहले जो है ये रास्ता वास्ता जो है ना ओपन हुआ है, ये रास्ता सारा जो है बंद था। कितने का दे रहे हो शायद? सर ये अच्छा वाला है, 1500, ये हल्का है, 1000 रुपये। हल्का मतलब अखरोट वाला? अखरोट के दरख्त वाला? हाँ जी, ये अच्छा वाला है, 1500। इसकी क्या गारंटी है कि ये शायद है? या तू वान के लिए बाटी चेक करवा ले ते सौ बंदे सौ बंदे वो हम तो खा जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या बनती है। साथ तेन में तो यकीन नहीं आंदा। यकीन कैसे आएगा मुझे यार, मुसलमान से यकीन बंदा करे ना अल्लाह ना बंदा। यकीन तो बात ही गल है यार, ये तो शीरा होता है खान, शीरा होता है। हां हम नरान आते रहते हैं अंदाजा है सर, शीरा है तो ना लाए। हां नहीं फतवा दे दो। चलें वैस भाई, चलो बर्थडे का क्या सीन है? येरा केक
ये के आ जाओ चलें आगे दौड़ के आओ दौड़ के जगह देखे। यार ये बर्थडे का सीन है, उमर भाई की भांजी की बर्थडे है, तो हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि सिनेमैटिक शूट भी हो जाए, कुछ फ़ोटोज़ भी बन जाएँ। पर ये जगह सारी गीली है यार, जूते वूते सारे गंदे हो जाएंगे। अच्छा मैं पिछली दफ़ा जब आया था तब भी यहाँ पे इसी तरह बर्फ़ थी और कचरा बहुत था, तो इस दफ़ा ये है कि शुक्र है कि कचरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पानी बहुत है यार, जूते गीले ना हो जाएँ। इधर आओ यार इधर आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ चेक करते हैं यार। हम असल में हम ये चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं भाई, हाँ हम ये चाह रहे हैं कि लोकेशन ऐसी हो कि पीछे जो है ना सारी बाबू सर की पहाड़ियाँ भी आ जाए और बर्थडे की बर्थडे भी हो जाए। कहाँ पे रखा जाए यार, केक भी रखे यार, वो जगह अच्छी है मेरे ख्याल, वो देखो वो गाड़ियों के जो आगे जगह है ना वो जगह अच्छी है। तो यार ये व्यू पॉइंट मिल चुका है, बड़ा खूबसूरत व्यू पॉइंट है सारी। वो ना कर यार, कहते ना करना यार, बर्फ़ ठंडी है, ये बर्फ़ है देखे, ये इन्होंने सड़क जो है ना खाली कर करके ये बर्फ़ इस तरह से जो है नीचे फेंकी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना, ये व्यू है जो जेन्युइन व्यू है बाबू सर टॉप का। हाँ मैं सोच रहा हूँ इधर ही कोई सेटिंग करें, चारपाई वगैरह पड़ी हुई है, इनको पैसे वैसे देते हैं 100-200 रुपए, इसी के ऊपर बैठ के केक शेक रख के जो है ना केक काटते हैं। जी भाई हम लोग जिप लाइन करने वाले हैं और मैंने ज़िंदगी में ये कभी हरकत नहीं की, डर लग रहा है यार। आखिरी ख्वाहिश रिकॉर्ड करवाओ ना, आखिरी ख्वाहिश क्या है आपकी, आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी मरना ही नहीं, आखिरी ख्वाहिश क्या बात है यार, मरना तो है देखो, अभी तो नहीं मरना ना, क्या पता यार जिंदगी का कुछ। यार देखो ये बेल्ट शर्ट बांध लिया हमने और टाइट करके बांध दिए, काफ़ी टाइट, और बस निकलते हैं यार। मुझे ये जिप लाइन भैया पीछे जी भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार कसमें, ये यहाँ से जाते हैं ऐसे, ये देखिए ये इसने पहन लिया और ये जाने के करीब, अभी रुक जाना, अभी रुक ना पहले जाओ, पहले आप जाओ फिर मैं, पहले इसको जाने देना यार, अभी इसको जाने देना, अभी मेरे ओ माय गॉड, ओ भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, पहली दफा एडवेंचर किया भाई, बड़ा प्रेशर है यार, और इसको ठंडी हवा इतनी है कि वाओ यार कमाल बता रहे यार, यकीन हो यार कमाल भी हुआ यार, ये खतरनाक था यार। जी भाई आप कर रहे हैं यार जिप लाइन, कैसा रहा यार, मजा आ गया वाकई, बड़ा मजा आया यार, लेकिन डर लगा था नहीं कुछ नहीं जाए तो जल्दी खत्म हो गया, लेकिन यार इधर ना मौसम बहुत डराया है, ये मुंह ये हाथ जो है ना ये फटने शुरू हो गए, और जो है ना पहुँचते साथ जो है मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो है ना वो लगाना पड़ेगा मॉइस्चराइजर, सांस चढ़ गया यार, सांस चढ़ गया मुझे, सांस इधर है मुझे तो सांस चढ़ गया। भाई जी हालात बड़े खराब है यहाँ पे, ये हालात बहुत खराब है, ये व्यूज बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी खैर यार, ये पत्थर की तरह लग रही है यार, इंसान बनो, वो इतनी बड़ी नहीं यार, कमर टूट जाएगी मेरी, थोड़ी दूर अब उसको आज जन्म तरीन ब्लॉग बन रहा है मेरा, ओ मैं ना करो तो
भाई सीन ये है कि हम लोग डुलू सर लेक पहुँच गए और कुछ लोग हमारे साथ सोने के लिए आते हैं, आपको चेक करवाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं सोने वाले लोग। आदिल भाई हेलो, क्यों सो रहे हैं भाई? बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन है। एक दूसरे भाई हैं हमारे पास, ये तो मतलब फोत ही हो चुके हैं ना। हेलो हेलो, कहाँ पे आए हो आप? मैं आई हूँ कोका कोला वाली शॉप पे। कोक नजर ही आती है आपको हर जगह जा रहे हो। वो पीछे देखिए क्या है। और मैं अभी एक नॉवल लिख रही हूँ। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो कौन है। लुलु सर लेक है। लुलु सर लेक नहीं है, ये है क्या? अरे लुलु सर आंटी ना। वो कैसे देख रहा है? तो देख। जी जनाब, तो हम रास्ते में जो है लुलु सर लेक पहुंच चुके हैं और ये कुछ बसेस वगैरह रुकी हुई हैं यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह के सीन्स हैं सुभान अल्लाह। और ये हूँ मैं और ये लुलु सर लेक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मतलब यहाँ आके आपको जो है ना वो चीज़ें अनबिलीवेबल लगती हैं। जी भाई, तो ये है लुलु सर लेक और बड़ा खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्टॉप था क्योंकि हमने आगे निकलना है नारान की तरफ, स्टे हमारा होगा बड़वाई में। तो ये है फिलहाल सीन, बस अब वापसी निकल रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या प्लान है। कल जो है इंशाल्लाह झील सैफुल मुल्क पे हम लोग जाएंगे, और इधर तो पूरा दिन भी बंदा गुजार सकता है लेकिन टाइम कम है। तो यार भूख बड़ी लग रही है, पिछले स्टॉप पे मैं रुका नहीं था, मैंने सोचा कि यहीं पे जो है ना कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे जो है खाने पीने का सीन है, तो बड़ा नारियल लेते हैं यार। भाई जान कितने का है नारियल, कितने का है? एक एक फाड़ी दे दो बस। कितने का है? 100 रुपये। 100 रुपये का इतना सा? इतना सा है इसका, 50 वाले 4 बनते हैं। ये कहाँ से आया नारियल? नारियल कहाँ से आया? हाँ श्रीलंका का यार। 100 रुपये निकालना है इसमें। और नारियल का पानी कितने में दे रहे हैं? पानी नहीं सर, पूरा नारियल ही देते हैं। कितने में? अच्छा, खुराक करके देते हैं? हाँ, लेकिन फिर हम घर जाके इसको काटे कैसे? अच्छा, तो पानी शॉपर में डाल देते हैं फिर? अच्छा, क्या सीन है भाई, बर्थडे का सीन है? जी आ जाए, आप ही वेट हो रहा है। मेरा और इंतजार, क्या बात है यार। ये नारियल खा रहे हैं, बड़े मजे का यार, बड़े दिनों के बाद नारियल मिले, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए यार। अभी यहाँ पे यार बर्थडे का सीन है, मैंने इनको कहा था बाबू सर टॉप पे कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो अब यहाँ पे करेंगे। केक शेक रखते हैं, यस करवाते हैं सीन। जी जनाब, तो हम होटल पहुँच चुके हैं, और या नारान से पहले थोड़ी सी पहले ही एक जगह है, तो यहाँ पे होटल है और व्यू अच्छा है काफ़ी इसका, बाइक की सीटिंग है और जो सॉरी पहाड़ हैं, दरख्त बोलने वाले थे, जो पहाड़ हैं वो सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं, और ये गौसर वसर खड़ी है। तो बस अब यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं, इस टाइम रात रुकनी है हमने, और सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जो है हम लोगों ने निकल जाना है, सुबह 4-5 बजे के नज़दीक, और नाश्ता वाश्ता शायद रस्ते में करेंगे, और यहाँ से सैफुल मुल्क जाएंगे, और मेरे ख्याल बस फिर उसके बाद बस है, एक आधा पॉइंट कोई रस्ते में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भेरा स्टॉप होगा फ्यूल वगैरह के लिए और कोई खाना नाश्ते पानी के लिए, लंच वगैरह के लिए, और उसके बाद जो है फिर हम एग्जैक्टली जो है निकलेंगे मुल्तान के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र है, अल्लाह पाक हमें खैर से ले जाए और खैर से ले आए,
और उसके बाद जो है वो तकरीबन रात हो जाएगी, लेट नाइट, कि हम जो है जिस टाइम मुल्तान पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? फिट फाट हैं? और हम लोग जो है वापसी की तरफ निकल चुके हैं। आदिल भाई, आपकी क्या फीलिंग है यार वापसी के लिए? मैं बहुत खुश हूँ वापस घर जाने, लेकिन हम उदास हो रहे हैं यार, मतलब ऐसे ना थोड़ी सैड सैड फीलिंग आ रही है मुझे। आ रही है आपको? आ रही है पर मुझे नहीं आ रही। आपको घर याद, घर की याद आ रही है? बहुत याद आ रही है। होम सिकनेस, होम सिकनेस, थक गए वैसे। आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ जितनी भी खूबसूरत जगह है ना, जितनी भी हो, लेकिन घर घर है, घर घर है, है ना? चाहे घर, चाहे गर्मी हो, मर्जी हो जाए, घर घर है भाई। हाँ जी भाई, घर जाने का दिल कर रहे हैं आपको? तो वैसे घर वालों बाहर निकाला हुआ है, ऐसी है इसलिए घर दिल नहीं कर रहा, घर से बेघर हो गया। किसे पूछे? हाँ जी, घर जाने का दिल कर रहे हैं? घर जाने का दिल कर रहे हैं? उदास हो रहे हो? हाँ जी। किससे? अपने घर से। घर से, घर वालों से? घर वालों के लिए उदास हो रहे हो? हाँ जी। वेरी गुड। डॉक्टर साहब का भी व्लॉग, डॉक्टर साहब हो रहे हैं? डॉक्टर साहब घर जा रहे हैं आप? खैर से, ट्रिप कैसा रहा आपका? वीआईपी, एक्सीलेंट। तो अभी कैसे है आपके जो है वो विचार, कैसे हैं वापस वापसी जाने के लिए? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? नहीं यार, घर या की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। मुझे भी, मुझे भी। आपका ट्रिप कैसा रहा? अच्छा। मजा आया? हाँ आया। हाँ? शरारतें बहुत किया आपने ट्रिप में? वो तो मेरी आदत है, बच्चों की, हर बच्चों की आदत है। डांस अच्छा था वैसे आपका? डांस अच्छा था। डांस हमें याद रहेगा? डांस याद रहेगा। यस। जब सोगे उठोगे बंद हो जाएगा। चलो कोई एक अच्छी बात बताओ सबको। कोई अच्छी बात बताओ? हाँ तो अच्छी बात। यस, थोड़ा सा ऊंचा बोलना। ठीक है, ये क्या था? अच्छी बात बता रही है, अच्छी लुक दे दी है बस। चलो थम्स अप कर दो। थम्स अप। जनाब, तो हम लोग मुल्तान पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, आफ्टर 15-16 घंटे तो लगे हैं हमें पहुंचते पहुंचते, और जस्ट अभी हम जो है मुल्तान पहुंचे हैं, और इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30 का। सुबह 5 बजे हम निकले थे, एक दो स्टॉप, बल्कि 3-4 स्टॉप से हमारे, कहीं खाने के लिए रुके, कहीं फ्यूलिंग के लिए रुके, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोग मुल्तान पहुँच चुके हैं भाई, और अम्मी अब्बा का वेट हो रहा है। मुल्तान से मेरा घर दूर है ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे, तो उनसे बात की है, और काफ़ी दिन हो गए, और ज़ाहिर है वो भी उदास हैं और मैं भी उदास हूँ, और फिर ईद का मौका है तो हिम्मत मार के घर वाले आ रहे हैं लेने के लिए, और मैं इसी तरह जो है इधर पार्क में बैठा हुआ अस्करी वन में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग निकलेंगे, और भाई जान हमारे ट्रिप्स ईद पर भी जा रहे हैं, एक कश्मीर जा रहा है, एक कुमराट जा रहा है, 3 दिन और 5 दिन का। तो जिसने बुकिंग करवानी है वो जल्दी से बुकिंग करवा दे, कुछ ही सीट्स हैं जो कि बाकी हमारी रह चुकी हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली गेम चल रही है, तो आप लोग भी ट्राई करें कि जल्द से जल्द जो है अपनी बुकिंग करवाएं। एक ट्रिप हमारा 18 को जा रहा है, और एक ट्रिप जो है हमारा 19 को जा रहा है, तो जिसको भी डिटेल्स चाहिए वो मुझे इनबॉक्स करें। थैंक यू वेरी मच। यार आप लोग सब सोच रहे होंगे कि गर्मी का क्या सीन है, गर्मी, हम लोग ना उतरे भेरा पे, तो एकदम जो है ना लग पता गया, क्योंकि हम लोग बीच में एक स्टॉप हम रुके नरान के करीब वाला स्टॉप सुबह नाश्ते के लिए, और 10 दिन हमने इतनी ठंड खाई है ना, गरम कैप्स, डबल डबल सॉक्स और जैकेट्स, नीचे हाई नेक्स, ये वाला सीन था। तो अब जो है ना, अल्लाह का शुक्र है मुल्तान पहुँच के इतना फ़ील नहीं हो रहा, शायद इधर हवा शवा चल रही है इस वजह से फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बर्दाश्त के काबिल हैं। हम एक जगह उतरे, उधर ऑलमोस्ट 50 तक टेम्परेचर गया हुआ था, और धूप इतनी कोई चुभ रही थी जिसका हिसाब नहीं है, हालांकि हमने सारी ज़िंदगी गर्मी में ही गुजारी है, लेकिन 10 दिन सिर्फ ठंड बर्दाश्त करने के बाद एकदम जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, अलग है कि किसी की तबीयत भी ख़राब ना हो, लेकिन इट वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसे मुंह सड़ रहा था, बस नमाज हमने पढ़ी है और मिल्क शेक पिया और जस्ट हम निकल आए, और अब डिहाइड्रेशन थोड़ी फील हो रही है, क्योंकि वहाँ सर्दी थी तो पानी बिल्कुल नहीं पिया गया, और अभी थोड़े से ना ऐसे डिजी डिजी टाइप वाला सीन हो रहा है,
तो ये ORS वगैरह पीना पड़ेगा मेरे ख्याल में, तबीयत दो चार दिन में ज़रा बहाल हो जाएगी। और कल ईद है इंशाल्लाह, तो मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।